हेलो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए लाया हूँ कैरेक्टर स्केच ऑफ रोजा लिंट एज यू लाइक इट एज यू लाइक इट जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है इनकी महत्वपूर्ण कैरेक्टर रोजा लिंट इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे रोजा लिंट इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एंड लवेबल कैरेक्टर ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट रिटर्न बाय शेक्सपियर रोजा शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया प्ले एज यू लाइक इट का सबसे अधिक आउटस्टैंडिंग और लवेबल कैरेक्टर है और इस प्ले को ऐसा माना जाता है कि पंद्रह सौ निन्यानवे में लिखा गया था सी द हीरोइन ऑफ द प्ले या इस प्ले की हीरोइन होती है एंड सी इज़ फुल ऑफ चार्म ब्यूटी विजडम एंड वीट व आकर्षण सुंदरता ज्ञान और बुद्धि से भरी होती है इज अ गर्ल ऑफ अडोप्टेबल नेचर इन द वर्ड्स ऑफ मिसिस जैमसन मिसिस जैमसन के शब्दों के अनुसार वह अडोप्टेबल नेचर की लड़की होती है She is fresh as the morning, sweet as the dew अवैक ब्लूजम and light as the grass that plays among them. वह सुबह की तरह ताज़ा ओश के रूप में मीठी खिलती है और घास की तरह बिल्कुल हल्की होती है There are following elements in the respect of her character. उनके character के संबंध में कुछ तत्व हैं हर पर्सनैलिटी हम लोग डिस्कस करेंगे हर फैमिली इंट्रेट्स हर लव फॉर Orlando. हर रिसोर्सफुलनेस ये सब कुछ एलिमेंट्स है उनके कैरेक्टर के बारे में जिसे हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वन बाय वन हर पर्सनालिटी रोजा लैंड इज चार्मिंगली ब्यूटीफुल रोजा लैंड आकर्षक रूप से सुंदर है और पर्सनालिटी हैज हैज़बिन डिस्क्राइब्ड इन द वे ऑफ द लवलीस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड उनका जो व्यक्तित्व है पर्सनैलिटी को दुनिया के सबसे प्यारे प्राणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है एंड इट इज़ हर चार्म दैट ओलैंडो एटॉन्स फॉल्स इन लव विथ हर या उसकी सुंदरता होती है जिसकी वजह से ओलैंडो उनके प्यार में पड़ जाता है द ब्यूटी एंड द ग्रेस ऑफ द पर्सनैलिटी अट्रैक्ट एवरीबडी इन द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन उसकी जो व्यक्तित्व की जो सुंदरता और शो शोभा जो होती है आर्डन के जंगल में सभी को आकर्षित करती है ये जो कहानी है इसका प्ले का वो अधिकतर आर्डन के जंगल में ही मूव करती है and Frederick is unknown to his own daughter at he is impressed by her loveliness हालांकि फ्रेडरिक अपनी बेटी से अनजान होता है फिर भी वह उसकी सुंदरता से काफी ज्यादा प्रभावित होता है rosalind is the daughter of duke senior and niece to his offspring brother rosalind duke senior की बेटी होती है एंड duke frederick जो duke senior का भाई होता है वो उसके अंकल लगते हैं यानी वो उसकी भतीजी होती है हर फादर इज़ बैनिज फ्रॉम द किंगडम दरअसल उसके पिताजी को किंगडम से निकाल दिया जाता है एंड ड्यू टू दैट जिसकी वजह से उन्हें अर्डन के जंगल में ही रहना पड़ता है हर फैमिली इन टूट सी इज़ ए ट्रू फैमिली गर्ल वह सच्ची नारी प्रकृति की लड़की होती है सी रिएक्ट्स टू द सिचुएशन अकॉर्डिंग वह सिचुएशन के अनुसार से ही रिएक्शन करती है शी नेवर लैक्स हर उमेली नेचर वह कभी भी अपनी ओमेनली जो ओमनपन का जो नेचर होता है उसको कमी कभी नहीं होने देती है इवन इन हर मेल ड्रेस इज नॉट एबल टू सप्रेस द उमेन इन हर और यहाँ तक कि पुरुष के वेश में भी वह अपने अंदर की स्त्री को दबा नहीं पाती है एज सुन एज सी लर्नस दैट ओलैंडो इज ऑल्सो ऑन्डरिंग इन द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन हर पोजिशन बिकम्स एक्सट्रीमली डेलीकेट्स जो ही उसे पता चलता है कि ओलैंडो भी इसी अर्डन के जंगल में भटक रहा है उसका जो पोजिशन होता है यानी उसकी जो स्थिति होती है अत्यंत नाजुक हो जाती है या उमन बाई नेचर सी कांट द पाइंड ऑफ लव फॉर ओरलैंडो विच एक्साइट्स हर हार्ट प्राकृतिक रूप से एक औरत होने के नाते वह ओरलैंडो के लिए जो उसका प्यार का जो तरफ था उसको महसूस किए बिना रह नहीं सकती है एंड विच एक्साइट्स हर हार्ट जो उसके दिल को काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित भी कर देती है एंड सी एक्सप्रेस हर फीलिंग और वो अपने भावनाओं को व्यक्त भी करती है द रोजालैंड फ्रॉम वेरी बिगनिंग टू द एंड ऑफ द प्ले रिमांड्स ऑज दैट सीज अमन थ्रू एंड थ्रू इन हर मैलीड्रेश अतः रोजालैंड प्ले की शुरुआत से अंत तक हमें यह आद दिलाती है कि वह एक औरत है पूरी तरीके से मैनड्रेश में भी रोजा लव फॉर ओरलैंडो इजक्वाइड फॉर्म एंड फेथफुल रोजालैंड का ओरलैंडो के लिए उसका प्यार काफी दृढ़ और वफादार है द बेस्ट ऑफ हर कैरेक्टर कम्स आउट वेन सी कम्स अक्रॉस ओरलैंडो इन हवर डिस्कस इन द फॉरेस्ट ऑफ

रोजालिन ऑलैंडो से अपने प्यार का इजहार करने में कभी भी अपने आत्म अभियोगात्मक भावुकता को प्रस्तुत नहीं करती है द फैक्ट इज दैट सी ऑलवेज मेंटेन्स सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिवोशन इन प्रजेंटिंग हर इनर फीलिंग ऑफ हर लव सच तो यह है कि वह अपने प्रेम के आंतरिक भाव को प्रस्तुत करने में कर्तव्य और भक्ति की भावना को सदैव बनाए रखती है ऑफकोर्स सी लव्स ऑरलैंडो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन बेशक वह उम्मीद से भी ज्यादा ओरलैंडो से प्यार करती है हा एवर सी निवर क्रोसेज द बाउंड्री लाइन ऑफ अवर फैमिली स्टेटस परंतु वह कभी भी अपने पारिवारिक स्थिति की सीमा रेखा को पार नहीं करती है हर रिसोर्सफुलनेस इन नेट रिसोर्सफुलनेस अंडर अडवर्स सिचुएशन इज अनदर ट्रेट ऑफ रोजालैंड कैरेक्टर प्रतिकूल परिस्थितियों में सहज साधन संपन्नता रोजालिन के चरित्र की एक और विशेषता है It is she who plans the 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 details of of flight from the palace to forest of arden. उड़ान के विवरण की योजना बनाती है As she सी the दॉ the misfortune starts falling upon her head. जैसे वो महल से निकलती है दुर्भाग्य उसके सिर पर गिरने लगता है यहाँ पे फिलिंग मैंने मिस्टेक से लिख दिया है यहाँ पे फॉलिंग होना चाहिए बट इट इज़ ओनली द बेसिस ऑफ हर रिसोर्सफुलनेस दैट सी मैनेज ऑल द सिचुएशन स्मूथली या उसकी सूझबूझ का ही आधार है कि वह सभी परिस्थितियों को सुचारू रूप से संभाल लेती है सी विगेन टू प्ले द रोल ऑफ यूथफुल पर्सन वैन सी रीचेज द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन जब वह अर्डन की जंगल पहुँचती है तो वह एक युवा व्यक्ति का रोल निभाने लगता है

किसी भी परिस्थिति में प्राणी को समायोजित करने का एक सच्चा युग है इट इज़ ऑल पॉसिबल ओनली ड्यू टू हर नेटिव रिसोर्सफुलनेस यह सब उसकी मूल संसाधनशीलता के कारण से ही संभव है शो फॉर एज हर ह्यूमरस एंड वीटी नेचर इज कंसर्न शी एपियस टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ स्प्राइटली वीट जहाँ तक उनके विनोदी और सौंदर्यपूर्ण स्वभाव की बात है तो वह जिंदा दिल बुद्धि की मालकिन प्रतीत होती है इट इज़ हर मास्टरी ओवर वीट एंड ह्यूमर विच मेक हर या गाय एंड अ हैप्पी हिरोइन ऑफ द प्ले यह उसकी बुद्धि और हाश पर महारत है जो उसे एक लड़का और नाटक की हैप्पी हीरोइन बनाती है इट ऑल्सो इनेबल्स हर टू सर्वाइव एवरी ऑब्स्टेकल प्लेस्ड इन द वे ऑफ हर लव एंड लास्टली सी विन्स ओवर ऑल ऑफ देम यह उसके प्यार के रास्ते में आने वाली हर बाधा से बचने में भी सक्षम बनाता है और अंत में वह उन सभी बाधाओं पर जीत हासिल भी करती है रोज़ालैंड इज वन ऑफ ब्यूटीफुल ब्यूटिफुलरोइन ऑफ इन द हार्ट ऑफ द ऑडियंस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन रोजालैंड शेक्सपियर की उन खूबसूरत हीरोइनों में से एक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों के दिल में बसी हुई है सो so गैस ये दैरक्टर स्केच ऑफ रोजा नेक्स्ट टाइम मैं एजू लैकेट का शमरी प्रेजेंट करूँगा तब तक के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम शमरी के साथ